नमस्ते बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं धनपाल देठिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है मैजिक मैथ्स के इस अमेजिंग सेशन में। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज हमारी परसेंटेज की फिफ्थ क्लास है। इससे पहले परसेंटेज की मैं चार क्लास करवा चुका हूं, जिसमें फर्स्ट में हमने परसेंटेज के बेसिक्स किए थे और अभी हमारी जो कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है उनकी सीरीज चल रही है। ठीक है, तो ये शायद आज और कल और चलेगी, उसके बाद हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन बचे हुए उनको हम निपटा लेंगे। अभी तक हमने 24 क्वेश्चन इस क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें ऑलरेडी तीन क्लास हो चुकी है क्वेश्चंस की। ठीक है, आज हमारी परसेंटेज की पांचवी और क्वेश्चन की अगर बात करें तो चौथी क्लास है, जिसमें 25 और 26 क्वेश्चन जो आप बोर्ड पे देख सकते हो। आज से हम 25 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे हम, अच्छे वाले, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है ये उनसे जो पिछली हमने क्लास की थी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सेशन को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, ताकि आने वाली सारी क्लासेस की वीडियो की आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के पास बाद में जो ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले बेल आइकन को, ताकि उससे क्या है कि नोटिफिकेशन बेल आइकन पे ऑल करने से ही आता है हर वीडियो की नोटिफिकेशन, नहीं तो इसके कुछ अंतराल के बाद वो नोटिफिकेशन आता है अगर आप नॉर्मल सिर्फ सब्सक्राइब करते हो तो। अगर आप ऑल करते हो तो आपको जैसे वीडियो अपलोड होता है इंपॉर्टेंट तो आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए परसेंटेज की बात कि हम आज पांचवी क्लास कर रहे हैं। इससे पहले मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की भी पूरा टॉपिक पढ़ाया है, जो टोटल उसमें 29 क्लास बची है, मिली है अपने, टोटल 29 क्लास करी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ फोल्डर मिलेगा आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, वहां से जाके वो सारी क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो परसेंटेज की क्लास है, इनके पिछली चारों क्लासों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और एक स्टार्ट किया है 40 सीरीज। 40 यानी कि डेली डोज बाय धनपाल देख लिया, एक ऐसी सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो आपके लिए दोपहर को 12 बजे लेके आता हूं। एक ऐसा क्वेश्चन जो पहले क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लेके आता हूं मैं वो, तो और उनके कॉन्सेप्ट पे मैं अपने हिसाब से भी क्वेश्चन बनाता हूं, तो वहां से मैं आपके लिए लेके आता हूं, तो आप उसको देखिए आराम से और वहां से आप उनको सीख सकते हैं। जब आप नोटिफिकेशन अपना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेंगे तो आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, तो आप वो इंपॉर्टेंट वीडियो भी मिस नहीं करेंगे। जो 40 सीरीज है उसमें 5-6 मिनट का एक वीडियो होता है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंस्टेंट सॉल्यूशन के साथ आपको मैं देता हूं, लॉजिक और ट्रिक के साथ समझाता हूं। ठीक है, कि इसको हम एग्जाम में जल्दी से जल्दी कैसे कर पाए ताकि हमारा टाइम बचे। ठीक है, तो अब हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास आज की। क्लास पांचवी है आज परसेंटेज की। ठीक है, और एक बात, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टू वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बिल्कुल बहुत जरूरी है आपकी लर्निंग के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी स्ट्रेटजी और सीक्वेंस दिया हुआ है मैथ्स का कि आप कैसे कैसे आपको मैथ्स पढ़ना चाहिए, तो वो वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा दोनों। ठीक है, आइए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और 26 करेंगे अभी हम। ठीक है, आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, बोर्ड को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है और 25 और 26 क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखो 25 क्या लिखा है, किसी संख्या का 3/4 तथा 40% का अंतर 45 है, तो उस संख्या का 140% कितना होगा। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन 3/4 ऑफ ए नंबर एंड 40% ऑफ द नंबर इज 45, व्हाट इज 40% ऑफ दैट नंबर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक नंबर है, मान लो x एक नंबर है। ठीक है, और अगर x इंटू कितना 3/4, ठीक है, x इंटू 3/4 माइनस x इंटू 40%। ठीक है, x का 3/4 और x का 40% अगर निकालते हैं तो कितना निकलता है, वो 45 आता है। ठीक है, तो इस संख्या का आपको क्या करना है, इस संख्या का आपको 140% देना है, इसका मतलब इसको 100 से डिवाइड करके आपको 140% 140 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था, पहले पिछली क्लास में हमने फ्रैक्शन को हम कैसे परसेंटेज में बदलते हैं वो हमारा आ गया है। ठीक है, वो हमारा क्वेश्चन था। तो 4/3, अगर इस 3/4 को 3/4 को हम परसेंटेज में बदलते हैं, ठीक है, ये नंबर है और ये ताकि हमको जो डिफरेंस मिलेगा यहाँ का, जो डिफरेंस मिलेगा यानी कि 45 की जगह 45 तो ये है डिफरेंस, ठीक है, लेकिन इसका परसेंटेज में जो डिफरेंस मिलेगा, ये तो नंबर का डिफरेंस है 45, हमको परसेंटेज में डिफरेंस लाना पड़ेगा तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक तो हमको दिया है कि 40% है, लेकिन दूसरा हमको दिया नहीं है कितना परसेंट है वो,
तो ये इसको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए देखो क्या होता है, 3/4 × 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको हम करेंगे तो ये 25 से होगा और 25 या 75 होगा, ठीक है। तो ये 75 होता है, लेकिन अगर आपको पता है तो आप ऐसे देखने से भी कर सकते हो कि ये जो वैल्यू होती है अपनी, ये अपने आप में 100% होती है, ठीक है, ये वैल्यू 100% होती है। तो अगर 100 के 4 टुकड़े करते हैं तो 3 टुकड़े को हम क्या बोलेंगे, 75 बोलेंगे, यानी 75% बोलेंगे। अगर आप लॉजिक लगा सकते हो तो बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आप हम यहाँ पर बोल सकते हो कि जो ये x की वैल्यू है परसेंटेज में अगर हम बात करें तो x का ये क्या है, x का 75% है, 75% - 40%, ठीक है, x का 75% - 40% इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो 75 और 40, 75 में से 40 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 75 में से 40 घटाओगे तो आपको मिलेगा 35, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू क्या है, 35% है, x की 35% जो है, ठीक है, x इंटू 35% इज इक्वल टू 45, ठीक है। जो x का 35% है वो 45 है, तो हमको ये पता चल गया कि जो 45 है ये x का 35% है, तो हम इसको 35 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 140 से। अगर हमको पूछते कि वो संख्या क्या है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है कि व्हाट इज 140% ऑफ दैट नंबर, तो 140 का नंबर पूछा है वैल्यू का, तो हम 140 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमसे यहाँ ये पूछा होता कि वह संख्या क्या है तो हम यहाँ पर 100 करते हैं, क्योंकि अगर वो संख्या पूछते हैं तो यानी कि अंडरस्टूड है कि वो 100 है। तो देखो अगर इसको 35 ये करेंगे हम, ठीक है, तो 35, 70 और 40, यानी कि ये 4 बार हो जाएगा, ठीक है, 35 से ये 140 कितने बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, और 45 × 4 कितना हो जाएगा, तो 45 × 2 = 90 और 90 × 90 = 180, यानी कि जो आपकी संख्या है वो क्या है, ये 180 है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि 3/4 को हम 75% बोलते हैं, और अगर बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, अगर आपको ये पता है बेसिक्स इसका परसेंटेज का, अगर आपने फर्स्ट क्लास देखी है परसेंटेज की, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आनी है किसी में, ठीक है। तो एक्स का 3/4 और एक्स का 40% दोनों का अंतर कितना है, 45, तो आपको 140% बताना था, ठीक है। तो 75% - 40 यानी कि कितना होगा, 35%, 35% की वैल्यू कितनी है, 45, x का 35% और उसकी वैल्यू है 45, तो हम 45 को 35 से डिवाइड करके 140 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 35 से 140 चार बार में कटेगा, और 45 × 180 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। एक संख्या को 16 2/3% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 560 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। अब देखो यहां पर पूछा है कि संख्या ज्ञात करें, यानी कि इस संख्या का हमको 100% निकालना है, ठीक है। तो एक संख्या को 16 2/3 का आपको पता होना चाहिए क्या है, अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो आपको पता है कि 16 2/3 को क्या बोलते हैं हम, ठीक है। तो 16 2/3 को हम क्या बोलते हैं, 1/6 बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, 16 2/3% इक्वल टू 1, इसको हम बोलते हैं 1/6। अब 1/6 क्यों बोलते हैं इसको, देखो अगर आप 100 के 6 टुकड़े करोगे तो 100 के 2 टुकड़े करोगे तो 50 के, 3 टुकड़े करोगे तो 33.33 के, और 33.33 का 2 टुकड़े करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा 16.66, ठीक है। ये होता है 16.66 भी बोलते हैं इसको, ठीक है, 16.66% भी, 2/3 की जगह पे हम 0.66 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कुल मिला के ये है कि जो 16 2/3 है ये 6 है, यानी कि हमारा एक जो नंबर था पहले 6 था, लेकिन उसमें जो 1 बढ़ाया गया वो क्या बढ़ाया गया, 1 बढ़ाया गया है, यानी कि उसमें +1 कर दिया गया है, तो वो संख्या अभी क्या हो गई है, 7 हो गई है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो ये 560 है, ठीक है, यानी कि 560 जो संख्या है इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, क्योंकि ये क्या 7, 6 और 1+, ठीक है, 6 और 1 यानी कि 7 हो चुकी है, 6 तो 100% है और 1 इसमें बढ़ा दिया गया है, यानी कि 16 2/3, तो 1 इसमें बढ़ाया, टोटल कितनी हो गई है, 7 हो गई, ठीक है, 6+1 7 हो गई। तो 560 को 7 से डिवाइड करके हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वो संख्या मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारी संख्या पहले 6 पार्ट में थी, अब वो 7 पार्ट में हो गई है, तो जो 6 पार्ट में थी वो 100% थी, तो वो यानी कि अभी 1/6 बढ़ चुकी है वो संख्या, ठीक है। तो 560 को अगर हम
सात से डिवाइड करेंगे तो देखो ये सात या अठी छप्पन होता है, तो ये कितना वार जाएगा, ये 80 वार जाएगा, ठीक है। तो आठी साथी छप्पन, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आठ छंकी 48, तो 48 और एक जीरो, यानी कि हमारी जो संख्या है वो क्या है, वो 480 होगी हमारी संख्या, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या थी संख्या की 16 2/3 बढ़ाया जाता है किसी संख्या को, तो 560 हो जाती है संख्या, याद करें, ठीक है। नंबर इंक्रीज्ड बाय 16 2/3 परसेंट गिव्स 560 एज अ रिजल्ट द नंबर इज व्हाट, ठीक है। तो 16 2/3 आपको जैसे मैंने बताया कि 16 2/3 को हम 1/6 भी बोल सकते हैं, 16.66 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 16.66 यानी 16.66 की अगर हम बात करें तो वो कितना है, 480 में 560 जोड़ दिया, यानी कि 20 और 60 80 नंबर का जोड़ दिया, यानी कि एक की वैल्यू यहां पर क्या है, 80 है, एक की वैल्यू 80 है यहां पर, ठीक है, वन की वैल्यू 80 है। तो ये आपका जो 100% है वो आपकी क्या है, ये 6 है, तो 6 की वैल्यू क्या होगी, 8/48, ठीक है। तो 480 आपका आंसर हो जाएगा, और जो बड़ा था कितना, वो एक बड़ा था, 80 इसमें ऐड हो गया था, अगर इसमें अगर हम 80 ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये वापस 560 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है। हम बढ़ेंगे अभी अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25-26 कर चुके हैं हम, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 27 और 28 पे। क्वेश्चन नंबर 27 और 28, देखो क्वेश्चन नंबर 27 और 28, क्वेश्चन नंबर 27 है कि 1 किलोग्राम मक्खन में 35% घी होता है और 2.45 किलोग्राम, ठीक है, 2.45 किलोग्राम घी पाने के लिए कितना मक्खन चाहिए। देयर इज 35% घी इन 1 kg ऑफ बटर टू ऑब्टेन 2.45 kg घी, हाउ मच बटर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो मक्खन आपको पता है कि जब हम मक्खन को गर्म करते हैं तो उसमें से घी निकलता है, लेकिन मक्खन ज्यादा होता है लेकिन घी उसमें से फिर कम हो जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है कि जब 1 किलो मक्खन को हम गर्म करते हैं तो हमको 35% घी निकलता है उसमें से, ठीक है। तो हमको पहले इनकी फिगर निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर 1 किलोग्राम बोला है और यहाँ 35% बोला है, तो सबके सबसे पहले तो हमको इनकी वैल्यू बराबर करनी होगी कि दोनों किलोग्राम या ग्राम जो भी जिसमें भी है, ठीक है, तो उस हिसाब से हमको करना पड़ेगा तभी हमको समझ में आएगा। और यहाँ पर किलोग्राम भी 2.45 लिखा है तो उसके हिसाब से हमको देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ क्या लिखा है कि 1 kg पनीर इज इक्वल टू 35% घी, ठीक है, 35% घी होता है 1 kg उसमें, ठीक है, 1 kg मक्खन में। तो पहले तो मक्खन को हम क्या करते हैं, पहले इसको 1 kg को इसको ग्राम में डिवाइड करो, यानी कि ये क्या है 1000 ग्राम, है ना, ये है क्या 1000 ग्राम। अब इस 1000 ग्राम को पहले इस 35% को हमको निकालना पड़ेगा, तो 35% को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस 1000 ग्राम को डिवाइड बाय 100 करेंगे, ठीक है, और 35 में मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो उससे क्या होगा कि ये 100% इससे 100% आएगा और हमारा 35% किसने ये आ जाएगा कि जितना घी है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो 1 0 से 1 0 कटेगा, ठीक है, और 2 0 से 2 0 कट गया यहाँ पर, ठीक है, और 35 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 350, यानी कि जो हमारा घी की मात्रा वो कितनी है, वो 350 ग्राम है, ठीक है, वो 350 ग्राम है, यानी कि 1000 ग्राम बटर हम जो मक्खन है उसको गर्म करते हैं तो 350 ग्राम हमको घी निकलता है, ठीक है। तो 350 ग्राम घी निकलता है और हमको घी चाहिए कितना, हमको घी चाहिए 2.45, ठीक है, तो 2.45 को हम कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, इसकी भी वैल्यू हमको ग्राम में मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर हम
2.45 को मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है, जो मेजरिंग की क्वांटिटी होती है, इसकी जो क्वांटिटी होती है ये कितनी होती है, जो 1000 होती है 1 किलो में, ठीक है। तो 1000 में 1 किलो होती है, तो 2.45 में कितनी होगी, यानी कि ये हो जाएगी हमारी जो वैल्यू हुई ग्राम में 2450, यानी कि डेसिमल के बाद ये अपना 3 जीरो हम आगे कर देंगे, मतलब तो यहाँ पर दो ही संख्या है तो 1 जीरो आ जाएगा। ये चीज मैंने आपको डेसिमल की क्लास में सिखाई है, अगर डेसिमल की क्लास आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर डेसिमल की क्लास है, डेसिमल की क्लास में आप आराम से उसको सीख सकते हो, पूरा डेसिमल का मैंने अलग से समझाया हुआ है, ठीक है। तो हमारा इसमें ग्राम हमको कितने चाहिए, मतलब 1000 ग्राम बटर लाते हैं और गर्म करते हैं तो 350 ग्राम घी निकलता है, और हमको चाहिए कितना ग्राम, 2450 ग्राम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको 2450 ग्राम को हमको डिवाइड करना पड़ेगा कितने से, 350 से, ठीक है। तो 350 से करेंगे और तब हमको ये वैल्यू यहां पर इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आपका जीरो से जीरो कट गया, ठीक है, जीरो से जीरो कट गया, और 35 से कम 35, 35 दूना 70, 35 की 105, ठीक है, 35 की 105 हो गया, और 35 चौक 140, 140 और 35 यानी 150, 60, 70, 75, 75 में 5 बार और 210 6 बार और 45, यानी कि हमारी इसकी वैल्यू मिलेगी हमको 35 से कटेगा 7 बार में, ठीक है, ये 7 बार में कटेगा। तो हमको कितना बटर चाहिए, हमको 7 केजी बटर चाहिए, 7 केजी जब बटर हम लाएंगे तो हमको वहां से 2450 ग्राम घी मिलेगा, यानी कि 2.45 किलो, ठीक है, जो यहाँ पर फिगर दिया है 2.45 केजी घी कब मिलेगा हमको, जब 7 केजी हम बटर लाएंगे और उसको गर्म करेंगे तो हमको मिल जाएगा कितना, इतना घी, ठीक है, 2 किलो और 450 ग्राम घी हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले उनकी वैल्यू बराबर करनी होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज दिया, यहाँ केजी दिया, यहाँ तो परसेंट किस और भी दिया है ना, तो हमको पहले सबसे पहले वही निकालना है, ठीक है। तो हमको 1000 1 किलोग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 हो जाएगा, 35% को भी ग्राम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, 35% को 1000 को उससे 100 को डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी परसेंटेज दिया है उससे, ठीक है। तो वो परसेंटेज क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद 2450 को हम 350 से डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि 7 केजी हमको घी चाहिए, चाहिए बटर, ताकि हमारा जो घी है वो 2.45 केजी घी हमारा निकल आए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, कि यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है, सोना माना जाता है, तो 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होगी। 24 कैरेट गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी 100% प्योर गोल्ड, देन 100% प्योर गोल्ड, देन द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 20 कैरेट गोल्ड इज, ठीक है। तो अगर कभी आप सोना चांदी की दुकान पर कुछ गहने खरीदने जाते होंगे तो आपको याद होगा, ठीक है, कि वो वहां पर बताते हैं कि जो 24 कैरेट सोना है वो एकदम प्योर गोल्ड होता है, और उससे जैसे जैसे हम जो कुछ आभूषण बनवाते हैं उनसे, तो कुछ ज्वेलरी बनाते हैं तो उससे क्या होता है, वो उसका परसेंटेज कम होता है, क्योंकि कारण ये है, कारण ये मजबूरी है, क्योंकि वो जो कड़क होता है पूरा सोना, वो उससे बन नहीं पाता है, जो भी आभूषण वगैरह उसकी जो बारीक डिजाइन बनते हैं वो डिजाइन नहीं बन पाती है, ठीक है। तो जो अगर आप सोने की बात करते हैं, तो जो अगर हम जैसे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखते हैं कि जो हम बिस्किट लेके आते हैं या कॉइन्स लेके आते हैं, तो वो जो होते हैं वो कॉइन्स और बिस्किट वो होते हैं वो प्योर 24 कैरेट में बनते हैं, क्योंकि उनका एक फिक्स वो होता है कि 1 ग्राम का 2 ग्राम का बनाना है, तो वो बिल्कुल फिक्स होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, इसलिए उसको 24 कैरेट बनाते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही लेते हैं सब, ठीक है। तो वो 24 कैरेट में बनाते हैं, बाकी जो आभूषणों की बात करते हैं तो किसी में नग लगाते हैं, किसी में क्या लगाते हैं, ठीक है, कांच वगैरह सब कुछ ये लगते हैं, हीरे वगैरह, तो उससे क्या होता है, उसमें सोने की जो क्वालिटी होती है उसमें गिरावट आती है, और ये जरूरी है जब उसको गर्म करते और पिघलाते और सब मिक्स करते हैं तो उसमें इम्प्योरिटी आती है, तो उसी को बोलते हैं ये कैरेट, ठीक है। तो 24 कैरेट जो सोना होता है वो एकदम प्योर होता है, और जैसे जैसे उसकी कैरेट की मात्रा गिरती जाती है वो सोने में इम्प्योरिटी आती जाती है,
ठीक है। तो यहाँ पर 20 कैरेट सोने में कितनी शुद्धता आती है, और एक चीज अगर आप दुकान पे जाओगे तो जैसे 24 कैरेट बोलोगे तो वो बोलेगा हाँ ये 100 वाला है, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि हमको 22 कैरेट सोना बनाना है तो 22 कैरेट सोने को वो क्या बोलेंगे, 22 कैरेट सोने को वो बोलेंगे 9, ये बोला है 916, ठीक है, ये 916 सोना है, ऐसे बोलेंगे वो 916 है, लेकिन उसका एक्चुअल मतलब होता है वो 91.66% होता है, ठीक है, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं 91.23%, ठीक है, वो इस परसेंट में होता है 91.66, इसलिए वो बोलते हैं 916। अगर हम 20 कैरेट को बोलते हैं तो क्या होता है कि 20 कैरेट की सोना, तो 20 कैरेट सोना के क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं 83.33, ठीक है, तो वो बोलेंगे 833 नंबर सोना, ठीक, यानी कि 833 बोलेंगे तो उसकी इम्प्योरिटी है, यानी कि उसकी प्योरिटी कितनी है 83.33%, और उसको हम ये भी बोलेंगे 33.13%, ठीक है, और उसको दुकानदार क्या बोलेंगे 833 बोलेंगे। तो चलो ये तो हो गई दुकान की बात, अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन की बात, ठीक है। तो क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 20 कैरेट सोने की में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होगी, ठीक है। तो 24 कैरेट गोल्ड की हम अगर इसको ये देखते हैं तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 24 कैरेट जो सोना है हमारा, ठीक है, तो इसमें प्रतिशतता जानने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये 100% सोना है, ये 100% है, ठीक है, यहां पर 100 है, हम 100 को किससे डिवाइड करेंगे, 24 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, उस जिससे उसका ये मिलेगा हमको वैल्यू, और उसको 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको अगर इसका परसेंटेज 100 है, 2400 है, तो 20 कितना होगा, ठीक है, तो हम इस 24 को 100 को 24 से मल्टीप्लाई करके 20 डिवाइड करके 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये देखो ये 4 कितने बार जाएगा, ये 4 जाएगा, यानी कि 4 से कितनी बार जाएगा 24, 20 और 6 बार, ठीक है, 6 × 5 = 20 और 6 × 4 = 24, तो 6 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 25 बार 6 से, ठीक है, 4 से 25 बार जाएगा ये, तो ये 4 से 25 बार गया। अब आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा यहां पर ये 20, तो यानी आपके पास बचा है 50 और 6, ठीक है, 50 25 × 50 = 0, यानी कि 500 बाई 6 तो बचा है, तो बस आप इसको कैलकुलेट कर लो, तो 500 को अब जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो देखो ये क्या आएगा, 6 × 8 = 48, ठीक है, 6 × 8 = 48 आएगा, और तो फिर आपका 2 बचेगा, फिर 2 में से 1 और आप नीचे उतारोगे तो उसके बाद कितना जाएगा, ये 6 × 3 = 18, ठीक है, यानी कि 83, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 83.13, तो 83, फिर उसके बाद 18 आएगा, ठीक है, 18 के बाद फिर आपको उतारना पड़ेगा, फिर तो आपको 2 बज गया, फिर आपका ये आएगा, यानी कि आपका अब ये चलता जाएगा, ठीक है, आप इसको कितना भी करो ये 2 बचेगा और बार बार 3 आता जाएगा, तो जो आपका आंसर है वो क्या आएगा, 83.33% आएगा, ठीक है, प्योरिटी, और उसको बोल सकते हैं हम 83.33 को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये है 1/3, ठीक है, 83 1/3, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 83 1/3 आपको फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, 83.33 को परसेंट को हम 83.1/3% भी बोलते हैं, तो ये उसकी प्योरिटी हो जाएगी 20 कैरेट के हिसाब से, 20 कैरेट सोने की प्योरिटी जो होगी वो 83.83 1/3% हो जाएगी, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम करेंगे अभी 27 और 28 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 29 और 30 करेंगे हम, ठीक है, लेकिन जो 29वां नंबर क्वेश्चन है वो हमारा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो अभी हम क्वेश्चन एक एक बार में लिखेंगे, अब ये 2 बार में नहीं लिखेंगे, अभी एक एक बार में लिखेंगे, ठीक है, और जो 30वां नंबर क्वेश्चन है वो थोड़ा खतरनाक टाइप का क्वेश्चन है आज। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को लिखते हैं, अब ये लाइन मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 29।
देखो क्वेश्चन नंबर 29, किसी भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी, 20% की कमी करने पर 7-6 प्राप्त होता है, ठीक है। भिन्न क्या थी? इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 40% एंड इट्स डिनोमिनेटर बी डिक्रीज्ड बाय 20%, द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन बिकम 7/6, ठीक है। तो फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ठीक है। आप ये समझो यहां पर क्या दिया है, देखो क्या होता है कि ये क्या होता है, हर वटे अंश, सबसे पहले तो ये सही समझो, ठीक है। तो एक होता है अंश और बटे होता है हर, ठीक है। यानी कि नीचे वाले को हर बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं और ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इंग्लिश की अगर हम बात करें तो ऊपर का जो है वो होता है न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर, और नीचे वाला जो होता है वो होता है डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर होता है। तो अब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 40, यानी कि एक भिन्न था, समझ लो कि x/y, ठीक है, x/y एक भिन्न है, इसमें क्या करते हैं कि इसमें 40% की वृद्धि, यानी कि x में 40% की वृद्धि, यानी इसमें 140% हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 100 तो अपने आप में 100 ही है, 40 की वृद्धि हुई है, यानी कि 40 की वृद्धि हुई, ठीक है। तो इसमें 140% को मल्टीप्लाई हुआ बड़ा, और जो हर है उसमें 20% की कमी हुई, यानी कि y में क्या हुआ, y में 20% की कमी हुई, यानी कि इसको 80%, ठीक है। तो अगर x को 140% से मल्टीप्लाई करते हैं, 40 करते हैं 140, और y को करते हैं 180, तो जो नई भिन्न बनती है वो क्या बनती है, वो बनती है 7/6, ठीक है, 7/6 बनती है, 7/6 बन जाती है। तो अब आपको ये पता करना है कि जो एक्स वाई की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। तो एक इसको कैसे पता करेंगे हम, ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया। अंश बटे हर में, अगर हर का फ्रैक्शन, यानी कि अंश में 40% की वृद्धि और हर में 20% की कमी, तो उसके बाद ये पूरा कैलकुलेशन होने के बाद जो फ्रैक्शन आता है वो 7/6 आता है। तो देखो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा और ये जीरो से ये जीरो कटेगा, ठीक है, और इस 7 से ये 14 कटेगा दो बार में, ठीक है, और इस 2 से ये कटेगा 8 चार बार में, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास बचा क्या है अभी, 4/x, तो इसमें क्या होगा, ये x यहीं रहेगा, ये y यहां रहेगा, और ये क्रॉसिंग में होता है, जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू यहां पर ये 4 x की तरफ जाएगा और ये जो 6 है ये y की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो अभी वो फ्रैक्शन है वो 4/6 है, लेकिन आप देख सकते हो 4/6 आपको ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो क्योंकि ये क्या है कि ये 2 से अभी कट सकता है, तो ये कटेगा दो बार और ये कटेगा 3 बार, यानी कि जो आपके फ्रैक्शन पहले था एक्स वाई की जगह पे वो क्या था, 2/3 था, ठीक है, ये फ्रैक्शन था आपका 2/3 था फ्रैक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन अपना बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। क्या है, तो किसी भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी करने पर भिन्न जो है वो 7/6 प्राप्त होता है। तो भिन्न पहले क्या थी, ठीक है, नंबर न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 40% एंड इट्स डिनोमिनेटर बी डिक्रीज बाय 20%, द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन बिकम 7/6, फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। तो अंश हर होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, एक्स वाई के फॉर्म में था पहले, एक्स में 140% का मल्टीप्लाई हुआ, वाई में 80% का मल्टीप्लाई हुआ, 7/14% से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, ठीक है, ये 7/14 दो बार में गया और ये जो 8 था ये 2 से 4 बार में चला गया। आपके पास 2 बचा तो एक्स वाई यहीं की यहीं रह जाएंगे, एक्स के सामने ये 4 आ जाएगा, वाई के सामने ये 6 आ जाएगा और 2 से कट के 2/3 हो जाएगा, तो आपको फाइनल आंसर 2/3 हो जाएगा, यानी कि 2/3, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा इसको कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन को, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, अब जो आखिरी क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन है खतरनाक, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आइए करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30। आइए क्वेश्चन नंबर 130 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 क्या है? एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 90% से 12 अधिक है और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 60% से अधिक है, तो संख्या क्या है? ठीक है, ए नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इन सच ए वे दैट 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 12 मोर देन 90% ऑफ सेकंड पार्ट एंड 80% ऑफ सेकंड पार्ट इज 6 मोर देन 60% ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो देन द नंबर इज, ये तो नंबर पूछा गया है। ठीक है, तो क्या है कि एक संख्या है जिसको दो भागों में बांटा गया है, जिसका पहले भाग का अगर 80% लेते हैं और दूसरे भाग का 90% लेते हैं, तो वो 80% वाला भाग क्या है, दूसरे भाग से 12 अधिक है, और अगर दूसरे भाग का 80% लेते हैं और पहले भाग का 60 लेते हैं तो अच्छा क्वेश्चन में कुछ अच्छा 6 ज्यादा है, वो छूट गया। ठीक है, तो ये क्या है, यहां पर सच इज 12 मोर एंड 80% ऑफ सेकंड पार्ट इज 6 मोर, 80% ऑफ सेकंड पार्ट इज दूसरे भाग का 80% पहले भाग के से 6 अधिक है, यहां लिखा है 6। ठीक है, 6 अधिक है, तो इसे कैसे करेंगे? देखो यहां पर क्या है कि एक संख्या है, मान लो ये एक संख्या है। ठीक है, इसके दो पार्ट बने हैं। ठीक है, ए और बी, ये इसके दो पार्ट है। ठीक है, ए प्लस बी, ये दो पार्ट है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहला भाग यानी कि ए, ठीक है, तो ए पहले भाग का 80%, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, ए इंटू 80%। ठीक है, ए इंटू 80% माइनस दूसरे भाग का 90%। ठीक है, बी इंटू 90% इज इक्वल टू क्या है, 12 है। ठीक है, थोड़ा छोटा लिखते हैं, ये बहुत बड़ा आने वाला है। ठीक है, तो पहले भाग का यानी कि ए इंटू 80%, ए इंटू 80% माइनस बी इंटू 90% इज इक्वल टू 12। ठीक है, पहले भाग का 80% और में से इससे दूसरे भाग का 90% से 12 अधिक है, यानी कि ये 12 अधिक है। ठीक है, और फिर दोबारा क्या बोला है कि दूसरे भाग का यानी कि बी इंटू 80% इसमें से माइनस पहले भाग का 60%। ठीक है, यानी ए इंटू 60% इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 90% से 12 अधिक है और दूसरे भाग के 80% से पहले भाग मतलब दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 60% से 6 अधिक है। ठीक है, तो इसको क्या करो, इसको देखो हम ये जो परसेंटेज है इसको परसेंटेज को ये हटा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू 80/100। ठीक है, माइनस बी इंटू 90/100। ठीक है, और बी इंटू 80/100 माइनस ए इंटू 60/100। ठीक है, तो जब ऐसी स्थिति बन जाएगी तो क्या होगा, देखो इस जीरो से ये जीरो कटेगा, इस जीरो से इस जीरो ये जीरो कटेगा, ये जीरो से ये जीरो कटेगा और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या है, ए इंटू 8/10, बी इंटू 9/10, बी इंटू 8/10 और ए इंटू 6/10। तो हम क्या करते हैं, इनको जो ये 10 हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इनका सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से। ठीक है, तो हम अगर इंटू 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें भी और इसमें भी, तो इनका क्या होगा, हमारे पास ये जो 10 है ये हट जाएगा और हमारे पास इसके बाद स्थिति क्या बनेगी इनकी, ये बन जाएगा हमारे पास 8a
माइनस 9b, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या बचेगा यहां पर 12 है, ठीक है। उसके बाद देखो b b इंटू, अच्छा यहां पर ये भी तो आएगा, ये हमने लिखा है ना, इसमें भी तो 10 मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 6। तो यहां पर जब 10 से मल्टीप्लाई होगा, इनका 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। और b यानी कि 8b, 8b माइनस 8b माइनस 6a इज इक्वल टू 6 × 60, ठीक है। तो ये यहां तक स्थिति हमारी यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अब ये देखो यहां पर ए बी आगे पीछे है, ए बी और ए बी ए, तो हम ऐसा करते हैं इनको बी को एक तरफ ले लेते हैं, ए को एक तरफ ले लेते हैं। तो ये देखो इसको हम कर देते हैं 8a, और ये जो ऐसे वाले सवाल है ना, इनकी कोई ट्रिक नहीं है, इनको पूरा सोल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है, ऐसे टाइम ऐसे वाले क्वेश्चन पूरा ही करना पड़ेगा। तो 9a 9b इज इक्वल टू 120, और ये जो है b, b को हम उधर ले लेंगे, b को इसके नीचे ले लेंगे, a को इधर ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 6a हो जाएगा, और ये यहां प्लस आ जाएगा, प्लस 8b हो जाएगा, ठीक है, और ये 60 है तो ये 60 रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम इनको, अब ये तो हमने कर दिया ए बी इकट्ठे, अब हम इनको क्या करते हैं, किसी को एक को हमको बराबर करना पड़ेगा, उससे क्या होगा, ये होगा। तो देखो अगर हम 8 और 6 को बराबर करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 8 × 24 हो जाएगा, ठीक है, इसमें 3 का कर देते हैं, इसमें 4 का कर देते हैं, तो 6 × 24 हो जाएगा, तो ये भी 24a हो जाएगा, और इसमें 3 का कर देते हैं, तो यहां पर हम क्या करते हैं, इंटू 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहां पर इंटू 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये स्थिति बराबर हो जाएगी। तो देखो 3 × 8 = 24, तो ये कितना हो जाएगा 24a, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 6 × 24, यानी कि 24, ये माइनस 24a हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस का 24a है, ये माइनस का 24a, ठीक है, माइनस 9 × 27b, ठीक है, 9 × 27b हो गया, और 120 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा 360, ठीक है, 360 हो जाएगा। अब प्लस, तो 8 × 32, तो ये हो जाएगा 32b, और ये कितना हो जाएगा 6 × 24, तो ये हो जाएगा 240, ठीक है। अब देखो, अब ये प्लस 24a है और ये माइनस 24a है, तो ये दोनों आपस में 24a क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आपके पास बचा है माइनस 27b और प्लस 32b, तो ये माइनस प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा इसमें से, तो यहां पर बचेगा स्थिति अपने 5b बच जाएगा, ठीक है, मतलब 32b में से 27 चला जाएगा, तो हमारे पास 5b बच जाएगा, और ये दोनों क्या है, दोनों प्लस के हैं, तो यह दोनों प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 0, 6, 4, 10 की फिर 0, और 1 और 6, यानी कि बी जो 5b की वैल्यू 600 है, तो जो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 600/5, 600/5 को अगर करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 120 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि आपकी जो b, इसकी वैल्यू है b की, ठीक है, आपकी b की वैल्यू यहां पर 120 आ गई, ठीक है, b की वैल्यू आपको 120 मिल गई। अब आप क्या करो, यहां से जो ये इक्वेशन बनी थी अपनी, ठीक है, यहां से जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में b की वैल्यू कहीं भी एक जगह पुट कर दो, ताकि आपको आसानी से मिल जाएगा, तो हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है अपना 8a, और माइनस b की वैल्यू हमको मिल गई, तो हम लिख देते हैं 9 × 120, ठीक है, 9 × 120, और यहां आ जाएगा आपका 120, ठीक है, 120 आ जाएगा। अब देखो, तो 12 × 9 होता है 108, तो हमारे पास बचेगा क्या, ये 8a, 12 × 9 = 120, 12 × 9 = 108, हाँ ठीक है, तो 108, 108 और ये 0, ठीक है, 108 और 0, तो और यहां बचा 120, ठीक है, तो 8a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये है, ये माइनस है यहां पर, तो अगर यहां इज इक्वल टू लगाएंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमको, ये दोनों प्लस हो जाएंगे इधर आके, ठीक है,
ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा आपको 1200। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1200 डिवाइड बाय 8। ठीक है, 1200 डिवाइड बाय 8, तो 1200 से 8 डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1200 से 8 डिवाइड होगा तो ये आपका आ जाएगा 150। ठीक है, 150 आ जाएगा, तो 150 ए की वैल्यू आ गई आपकी, यानी कि ए की वैल्यू आ गई आपकी 150 और बी की वैल्यू आपकी ऑलरेडी आई हुई है 120। ठीक है, तो अब दोनों को आप मर्ज कर दो, यहां से आपके पूछा गया था एक्स की वैल्यू और ए, तो दोनों संख्याओं का योग यानी कि आपसे पूछा हुआ है, तो ठीक है, तो 0, 5, 2, 7 और 2 यानी कि 270, वो वाली जो संख्या है वो क्या है, 270 है, जो कि उस प्रकार की कंडीशन में फिट बैठ गई है। ठीक है, तो ये ऐसे सोल्व होगा कि एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया, बांटा जाता है कि पहले भाग का 80%, पहले भाग का 80% एक संख्या को दो पार्ट में ऐसे बांटा गया कि पहली संख्या का 80% बी के भाग के 90% से 12 दिखे और बी का 80% ए के 60% से 6 ज्यादा है, तो हमने किया क्या, ए गुणित 80% का 100 नीचे ले लिया हर जगह। ठीक है, और यहां पर 0 से 0 कट गया और यहां से हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे क्या हुआ, हमारा 10 भी चला गया। अब हमारे पास इक्वेशन कितनी बची थी, 8a-9b = 120, 8b-6a = 60। ठीक है, तो 8a-9b = 20 और 6 से हमने ये पलट दिया, ए बी को इधर कर दिया, दोनों को साथ साथ कर दिया हमने, जैसे यहां पर आगे पीछे था ए ए और बी बी, तो यहां हमने ए ए और बी बी कर दिया, तो जब हमने 3 और 4 से इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां 24 की स्थिति बन गई दोनों में, तो 24a से पूरा कट गया। अब हमारे पास बचा क्या था, -27b और +32b, तो इसका 5b बन गया और 360 और 240 का 600 बन गया। ठीक है, तो यहां पर b की वैल्यू 600/5 यानी कि 120 आ गई, तो वो हमने नोट कर ली। फिर यहां से एक संख्या ली, यहां से एक इक्वेशन लिया, ये वाला इक्वेशन एक लिया हमने, और इसमें हमने b की वैल्यू जो हमको मिल गई थी वो b की वैल्यू हमने 120 पुट कर दी और ए की वैल्यू यहां से निकाल ली, तो 8a-9 × 120 = 120, 8a-1080 = 120, 8a = 1200 और ए इसकी स्थिति 1200/8 यानी कि ए की वैल्यू मिली हमको 150। यहां पर हमने ए और बी दोनों की वैल्यू ऐड कर दी जिससे हमारा आंसर मिल गया, यानी कि 270 हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ये इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन की कोई ट्रिक नहीं होती है, ये क्वेश्चन हमको करना ही पड़ता है, ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप चक्कर में नहीं रहना कि इनका ट्रिक्स हो जाएगा, तो ये फुल हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की क्लास में बहुत मजे आए होंगे, बहुत मजेदार क्वेश्चन किया आज हमने। ठीक है, तो कल वापस मिलेंगे हम नई क्लास यानी कि परसेंटेज की क्लास नंबर 6 में, 6वीं क्लास करेंगे हम परसेंटेज की कल। ठीक है, तो वापस जुड़ना ना भूलिए कल हम, आज हम 30 क्वेश्चन तक किए हैं, 31 क्वेश्चन से कल हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप टाइम पे आइएगा, तो टाइम पे क्लास देखिए और उसके बाद में रिवीजन भी कीजिए, ताकि आपको बहुत जल्दी आप जो अगली एग्जाम होगी वो अच्छे से आप निकाल पाओगे। ठीक है, जब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो आप उसको जरूर आपने करते रहना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, वापिस कल मिलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि हर वीडियो की, इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो और जो 40 सीरीज है उसको बिल्कुल जरूर देखिए, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है देखने के लिए, क्योंकि डेली एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वहां मिक्स क्वेश्चन आते हैं, यहाँ तो एक सिक्वेंस से क्वेश्चन चल रहे हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, लेकिन वहां पर तो क्या है कि हर टॉपिक के मैथ्स के हर टॉपिक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए वो 40 सीरीज एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। ठीक है, तो मिलते हैं कल वापस, तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और मजे करिए। ठीक है, अगला एग्जाम अच्छे से निकालिए, तब तक मिलते हैं कल की क्लास में, परसेंटेज की 6वीं क्लास में, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय।